नमस्कार। हमारी खास पेशकश छोटी सी मुलाकात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। कहावत है कि सिर सलामत तो पगड़ी हजार, यही कहावत दिल पर भी बिल्कुल फिट बैठती है कि दिल सलामत तो सब कुछ हजार। तो आज इसी दिल की हम चिंता करेंगे और हमारे साथ एक बहुत खास शख्सियत और जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा जी हैं, जिन्हें प्यार से डॉक्टर वाई के मिश्रा के तौर पर जाना जाता है। आप देश नहीं दुनिया के नामचीन कार्डियोलॉजिस्ट में से एक हैं, कहें कि टॉप फाइव में आपका नाम है। रोबोटिक सर्जरी में आपकी पहचान पूरे विश्व में बन चुकी है और कई कीर्तिमान आप क्रिटिकल ऑपरेशन करके स्थापित कर चुके हैं। तो एक ऐसी शख्सियत से आज हम रूबरू होंगे और समझेंगे कि अपने दिल का ख्याल कैसे रखा जाए, क्यों हार्ट से जुड़ी इतनी समस्याएं अब सामने आ रही हैं। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है सर आपका डीएनएन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सर, और सबसे पहले यही जानना चाहेंगे आपसे कि देश में हार्ट अटैक के या हृदय रोग से जुड़े मामले क्यों तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ये देखा गया है कि हमारे देश में जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है वो पाश्चात्य देशों के कंपेरिजन 10 साल पहले होती है लोगों को। यदि मान लीजिए कि नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप में ये 60-65 एवरेज एज है जहां पर ये बीमारी होती, तो हमारे यहाँ 50-55 में। सिर्फ यही नहीं, यहाँ ये देखा गया कि 20 साल के 25 साल के, मैंने जो यंगेस्ट पेशेंट जिसको ऑपरेट किया है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए, वो 22 साल का सिख स्मोकर नहीं, मेडिकल इंटर्न। सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या कारण है बीमारी होने के, उनको हम रिस्क फैक्टर कहते हैं। ये माना गया है कि जिनकी परिवार में इनके माता पिता को यदि बीमारी होती है हार्ट की, वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो उनके बच्चों में पॉसिबिलिटी है, 100% तो नहीं लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ज्यादा हो। जिनको डायबिटीज होती है उनको भी चांसेस होते हैं कि उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है। जो स्मोकिंग करते हैं और हैवी स्मोकिंग करते हैं उनके चांसेस होता है कि सिर्फ लंग कैंसर ही नहीं हो, उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी होती है। पेशेंट जिनमें मोटापा है, उनको ब्लड प्रेशर शूट अप करता है, उनको भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज ज्यादा होती है। जिनमें कोलेस्ट्रॉल डिजीज होता है उनको भी होती है। और जो टाइप ए पर्सनालिटी होते हैं, स्ट्रेस हमेशा, ऑल द टाइम दे आर इन द स्ट्रेस, उनको होती है। जिनको प्रॉपर नींद नहीं आती है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, उनको भी होती है। तो ये कारण है। और ये देखा गया कि ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे यहाँ यंगर एज में अवेलेबल है। लोग 20 साल के होते हैं स्मोकिंग करते हैं, बड़े सारे लोग होते हैं जो कि नौकरी के चक्कर में, पढ़ाई के चक्कर में दौड़ते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा लेते हैं, प्रॉपर नींद नहीं आती है। गांव के बड़े सारे लोग हैं जिनके की लाइफ स्टाइल एक मेहनती की थी, अब वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो जाती है, शहर में आ जाते हैं, बाइसिकल आ जाती है, टू व्हीलर आ जाता है। तो एक तरह से क्वांटम चेंज हो रहा है, सोसाइटी का जो लाइफ स्टाइल है बड़ी तेजी से बदल रहा है, और उस तेजी से बदल रहा है जिसमें कि करेक्शन के चांसेस कम दिख रहे हैं। पहले एक माना जाता था कि भाई 50 साल के ऊपर, 60 साल के ऊपर अटैक की समस्या आती थी, अब यूथ 25 साल 22 साल उनको अटैक की समस्या आ रही है, क्यों हो रहा है सर ऐसा? हार्ट की बीमारियां तीन तरह की होती है, एक पैदाइशी होती है, एक एक्वायर्ड होती है जिसको हम बाजुअर हार्ट डिजीज कहते हैं, और जो तीसरी होती है जिसको कि हम सब कॉमन भाषा में यही कहते हैं कि हार्ट की बीमारी, वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो वो जो डिजीज है वो उसमें ये 7-8 रिस्क फैक्टर होते हैं, जिसमें एक हम जेनेटिक्स मानते हैं, स्मोकिंग है, डायबिटीज जल्दी हो रही है लोगों में खाने पीने की वजह से, जेनेटिक है। ये देखा गया कि जिसके पेरेंट्स को यदि बीमारी है तो ये लाइकली होता है कि बच्चों में उससे उनको होने की संभावना होती है और जल्दी होने की संभावना होती है। तो उनके जो सिबलिंग्स है, बच्चे हैं, उन सबको सचेत हो जाना चाहिए, उनको जल्दी से अपनी, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि अपना टीएमटी टेस्ट हम 40 के बाद कराएं, तो हो सकता है उनका 30 साल में कराएं, 25 साल में कराना शुरू कर दें। किसी के फादर को कार्डियक अरेस्ट आया है तो क्या उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि किसी की फैमिली में, जैसे किसी के फादर को 45 साल में ही या 50 साल में उसको हार्ट की बीमारी हुई, और यदि मान लीजिए किसी के अरेस्ट आया तो बहुत बड़ी चीज है वो, तो निश्चित रूप से बच्चों को अपने बारे में सोचना चाहिए। यानी कई सारी भ्रांतियां टूट गई हैं सर कि ये बुढ़ापे में जाके ऐसी बीमारी होगी, या आप स्मोकिंग या ड्रिंकर हैं तो ही आपको होगी। यानी एक भ्रांति ये भी कि महिलाओं को सब अटैक नहीं आता है। मिस्टर जैन, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सिर्फ यही नहीं कि ये आजकल जल्दी हो रही है, देखा ये गया है कि यदि अर्ली एज में कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, ज्यादा सीरियस होती है, और उसके जो दुष्परिणाम जिसको हम कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं वो ज्यादा होते हैं। कोई व्यक्ति है जिसको 30 साल में यदि उसकी हार्ट की बीमारी आ गई और उसकी बाईपास सर्जरी करनी पड़ी, तो आप ये देखेंगे कि वो 10 साल के अंदर फिर से दोबारा की जरूरत पड़ेगी। और ये भी देखा गया है कि जिनको अर्ली होती है
वो बैड बीमारी होती है, उनकी जो आर्टरीज होती हैं वो ज्यादा डिफ्यूज डिजीज होती है, उनमें एंजियोप्लास्टी करना और बाईपास सर्जरी करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है और उसके रिजल्ट जो होते आउटकम वो बुरे होते हैं। माना यह जाता है कि जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो फीमेल्स को कोरोनरी आर्टरी डिजीज से प्रिवेंट करते हैं। अच्छा। तो ये तो असलियत है, ये सही है कि बिफोर मेनोपॉज, क्योंकि मेनोपॉज तक ही रहते हैं वो फीमेल सेक्स हार्मोन्स के बाद तो वो कम होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन यदि उनको बीमारी हुई तो वो ज्यादा सीरियस होती है। वो क्यों होती है कि जो फीमेल्स के जो हार्ट होता है उसकी साइज, उसकी जो आर्टरीज होती है वो पतली होती हैं एज कंपेयर टू मेन। तो जब ये पतली आर्टरी होती हैं यदि उनमें बीमारी हुई तो एंजियोप्लास्टी करना और बाईपास करना डिफिकल्ट होता है। सो ये माना जाता है कि यदि हमने एसिम्प्टोमेटिक, जब कोई सिम्टम ना हो, यदि हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज को पकड़ लें तो बड़ी संभावनाएं होती हैं, आज भी इतनी सारी दवाइयां आ गई हैं कि उससे उनकी जो क्रिटिकल बीमारी होने का जो पीरियड आने वाला उसको हम 10 साल 20 साल आगे बढ़ा सकते हैं। आप बताएं हमारे दर्शकों को कि भाई अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है, कितने दिन तक हो रहा है, कैसे शुरुआत हुई है, तो किसके पास जाएं, कैसे जांच कराएं, कौन से टेस्ट होते हैं जिनसे आप थोड़ा सा पकड़ सकते हैं। इसमें मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। एक तो ये बताना चाहूंगा कि जिनको डायबिटीज होती है उनको यदि हार्ट की बीमारी होती है तो उनको सिम्टम्स नहीं आते, एंजाइना के सिम्टम्स, जो दर्द कहते हैं चेस्ट पेन, वो नहीं होता। अब क्लासिक में सिम्टम, आप अपना ये दाया हाथ अपने लेफ्ट साइड के चेस्ट में रख दीजिए तो जो दर्द की शुरुआत होती है जिसको हम एंजाइना, क्लासिक एंजाइना पेन कहते हैं, और 70-80% चांस ये होता है कि दर्द यहां से शुरू होता है, यहां से दर्द शुरू होकर के आपके बाएं हाथ की तरफ जाता है। तो ये क्लासिक प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। कुछ मरीजों को हमने देखा कि वो जो जा होता है ना, जब आप खाना वाना खाते हो ना तो इसमें यहां पर परसीव करते हो आप, किंचिंग तरह के, जैसे जबड़े में या किसी को दांत में पेन होता है जी। वो भी सिम्टम्स हो सकते हैं एंजाइना के। किसी को पेट के अपर भाग में होता है, लोग कहेंगे कि गैस्ट्राइटिस है या अल्सर है, नहीं, यहां भी हो सकता है। जो 80% चांस होता है कि जब आप वॉक करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, तो जो चेस्ट पेन हो लेफ्ट साइड में वो एंजाइनल पेन होता है। सर अगर ये चीज समझ में आ रही, कुछ कुछ ऐसा लग रहा है या डाउट क्लियर करना है, क्या करना चाहिए? डाउट क्लियर करने के लिए डॉक्टर का कंसल्टेशन, और यदि आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, आपको डायबिटीज है, हैवी स्मोकर हो, ब्लड प्रेशर है, 35-40 साल के हो, यदि ये चीजें शुरू होती हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके मेडिकल एडवाइस ली जा सके, लेना चाहिए। ईसीजी से शुरुआत में पकड़, ईसीजी से कुछ नहीं पता चलता, ईसीजी से हमें पास्ट इवेंट पता चलता है। यदि किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो वो डिपिक्ट होगा, वो दिखेगा, और या कि जब आपको दर्द हो रहा हो यदि आप उस समय ईसीजी लोगे तो उसमें पिक्चर आएगी, अदरवाइज ईसीजी इज नॉट अ डायग्नोस्टिक फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोई जरूरी नहीं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो हार्ट की बीमारी ही हो। बड़े सारे पेशेंट हमने देखे हैं, नॉन स्मोकर हैं, लीन थिन हैं, सारी जिंदगी वेजिटेरियन रहे हैं, स्मोकिंग नहीं करते, पर उनको भी हार्ट की बीमारी होती है। तो एक तो ये हुआ कि डॉक्टर के पास आप जाएंगे, डॉक्टर आपका ट्रेडमिल टेस्ट करता है, उसको कहते हैं कि आपको एक मशीन पर चलाएंगे तो उस समय आप एक्सरसाइज करोगे और उसी समय आपका ईसीजी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जैसा मैंने कहा कि जो चेंजेज उस समय यदि आते हैं, यदि आप चल रहे हो, आपको एंजाइनल पेन हुआ या ना भी हुआ, आपका ब्लड प्रेशर शूट अप किया, आपकी हार्ट रेट ऊपर गई, तो फिर ईसीजी में चेंजेज आते हैं, इसको हम ट्रेडमिल कहते हैं। इसमें करीब 70-80% जिसकी सेंसिटिविटी होती है। दूसरा फिर हमारा स्ट्रेस इको होता है, फिर हमारा आजकल कुछ नई नई चीजें आई हैं, उसको हम कहते हैं थैलियम स्कैनिंग, स्ट्रेस थैलियम, वो होती है। कुछ होते हैं लाइपोप्रोटीन्स आजकल देखे जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल देखा जाता है। यदि किसी को चेस्ट पेन हो रहा होता है तो फिर वो ट्रॉप टी वो सब कर किया जाता है, जो कि बढ़े हुए मिलते हैं ब्लड में। और इसके बाद जो सबसे अल्टीमेट होता है वो एंजियोग्राफी, तो चाहे वो सीटी हो, एंजियोग्राफी हो, वो चाहे कन्वेंशनल जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है वो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी हो। तो ये सब, अब पर ये जरूरी नहीं कि आपको स्ट्रेट में एंजियोग्राफी कराई जाए, पहले सस्पिशन है, आपको सिम्टम्स है तो डॉक्टर आपको एडवाइज करेगा, स्ट्रेस टेस्ट कराएगा, स्ट्रेस को, यदि उसमें कुछ आता है तो फिर निश्चित रूप से यदि डॉक्टर कहता है कि एंजियोग्राफी कराना है तो करा लेना। इसके बाद सर बात आती है ऑपरेशन की, किसी के लिए अगर डॉक्टर एडवाइस करा, डरते हैं लोग,
हार्ट का ऑपरेशन सर्जरी होगी, या एंजियोग्राफी भी ऐसी होती है कि उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है, ऐसे में कैसे आप मरीजों के दिल में बस इस डर को मिटाते हैं? देखिए जन साहब, ये है कि कोई भी प्रोसीजर हो, रिस्क तो होता है। आप रोड में चलते हो तो रिस्क नहीं होता, कोई मार के चला जाए। मेरे पास बड़े सारे मरीज आते कहते हैं रिस्क कितना है, उनको एक्सप्लेन करता हूं मैं कि रिस्क 1% रिस्क तो हो सकता है, तो मेजर सर्जरी है। पर मेजर कॉम्प्लिकेशन आज की तारीख पर एंजियोग्राफी काफी सेफ हो गई है, और जो डाई जो यूज की जाती है नॉन आयनिक डाई, वो भी काफी सेफ है। और जो रिएक्शन डाई से रिलेटेड उसमें आयोडीन होती है, उसके पहले रिएक्शन हुआ करते थे। अब ये नई जो डाई है नॉन आयनिक, इसमें रिएक्शन बहुत कम हो गए हैं, और कॉम्प्लिकेशन हजार लाखों में कोई एकाध को होता हो, तो एंजियोग्राफी काफी सेफ है। यदि डॉक्टर कहते हैं कि करा लेना चाहिए तो करा लेना चाहिए। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मान लीजिए किसी को सिग्निफिकेंट कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, उसके तीन तीन इलाज होते हैं। एक तो ये होता है कि उसको हम मेडिसिन से, ये मान लीजिए किसी को ब्लॉकेजेज हैं, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, पेरीफेरी में ब्लॉकेजेज हैं, तो उनको हम दवाई से ट्रीट कर सकते हैं। फिर ये देखा जाता है कि एक में बीमारी है आर्टरी में, दो में है, लोकलाइज है कि नहीं है। यदि वो है तो फिर एंजियोप्लास्टी का रोल आता है। और लीजिए मान लीजिए तीनों आर्टरी गई हुई हैं और डिफ्यूज डिजीज है, तब सर्जरी का रोल आता है। चीजें मैं आपको बता दूं कि कुछ एक बीमारी ऐसी होती हैं जहां पर की सर्जरी स्ट्रेट भी की जाती है, उसमें वेट नहीं कर सकते, वो डेंजरस होती हैं, क्योंकि वो इस लेवल पर ब्लॉक होते हैं और इतने क्रिटिकल होते हैं कि यदि वेट किया जाएगा तो वो फिर डेंजरस होगा लाइफ के लिए, तो उसको तो तुरंत सर्जरी करनी चाहिए। रोबोटिक सर्जरी के बारे में हम थोड़ा सा राइट अब रोबोटिक सर्जरी हमने शुरू किया, जिसमें रोबोटिक बाईपास सर्जरी में हम यहाँ से दो आर्टरीज होती है राइट और लेफ्ट, और ये डायबिटीज के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि डायबिटीज में भी हम यहाँ से लगाएंगे कट तो हीलिंग में प्रॉब्लम जाती है, इन्फेक्शन होते हैं। तो ऐसे डायबिटिक पेशेंट, फीमेल पेशेंट को हम बिना सामने कट किए दोनों आर्टरी, हमारे यंग पेशेंट हैं जिसे दोनों आर्टरी यूज करना जरूरी है, तो हम साइड से रोबोट के द्वारा वो दो आर्टरी निकालते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं और बाईपास करते हैं। रोबोट से हम वाल्व्स को रिपेयर करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं, जो कंजेनाइटल डिफेक्ट होते हैं कुछ, उनको भी हम रोबोट के द्वारा क्लोज करते हैं। तो रोबोट से सिर्फ बाईपास ही नहीं, बड़े सारे जो वाल्व की सर्जरीज होती है वो भी हम रोबोट से करते हैं, कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हैं वो भी करते हैं, कुछ एक को पेरिकार्डियल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी हम रोबोट से करते हैं, लंग्स के प्रॉब्लम होते हैं वो भी रोबोट से करते हैं। पूरे एशिया में सबसे पहले मैंने रोबोट का हार्ट का यूज करना शुरू किया था स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट में 2002 में, तब से मैं यूज कर रहा हूँ। देट वॉज द फर्स्ट रोबोट बींग ब्रॉट अक्रॉस सऊदी अरेबिया टू जापान, देट वॉज द फर्स्ट रोबोट, और तब से ये मेरे को 20 साल हो गए इसको उपयोग, मैंने करीब 550 केसेस किए हैं। लेकिन हर पेशेंट रोबोट के लायक नहीं होता, उसके लिए हमें सिलेक्शन करना पड़ता है। अब कोई स्मोकर, जब हम रोबोट सर्जरी करते हैं तो एक लंग को हम ऑफ कर देते हैं, एक लंग से ही बीटिंग हार्ट सर्जरी करते हैं इसमें, तो जो स्मोकर हैं या जिनको लंग्स की बीमारी है वो टॉलरेट नहीं करते। तो दर्शकों, हम बताना चाहेंगे एक बात कि डॉक्टर साहब मध्य प्रदेश की धरती से ही जन्मे और सतना के महर में एक छोटे से गांव में आपका जन्म हुआ। सर से थोड़े से आगे की कहानी हम समझते हैं। सर, कैसे आपका बचपन गुजरा, कैसे ये इतना बड़ा पेशा और डॉक्टर बनने का सपना, और फिर उसके बाद आज पूरे वर्ल्ड में आपका नाम है? क्या हुआ कि मेरी जो, मैं करीब 6 महीने का रहा होगा, मेरी माँ चल बसी, तो मेरी दादी ने मुझे पाला पोसा। मेरे एक दूर के अंकल होते थे, वो वैद्य थे, बड़े प्रतिष्ठित वैद्य थे, और लोगों ने उनकी बड़ी इज्जत थी, लेकिन वो पैसे नहीं लेते थे, कोई दूध दे गया कोई, वो अनमेरिड थे, उनको पोलियो हुआ होता, पर वो इतने अच्छे वैद्य थे कि लोगों को मतलब अपनी जड़ी बूटियों से, तो मैं उनके साथ मिलकर के जड़ी बूटियों में बनाने में, लेके आते थे जड़ी बूटियां, उनको पैक करने में, ये करने में मैं 3-4 साल का